और भी जो कोई भी जुर्म होता है, मर्डर, नहीं तो कोई चेन स्नैचिंग, नहीं तो कोई और किसी तरह की गड़बड़, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का कोई भी जुर्म अगर एरिया में होता है, पहले तो कंट्रोल होता है, अगर फिर भी लोग करते हैं तो इसमें इमिडिएटली पकड़ा भी जाता है। हमको पुलिस को भी उसकी सीसीटीवी कैमरा से हमको भी मदद मिलती है, केस भी इजीली डिटेक्ट हो जाता है, और बाद में कोर्ट में भी जो भी आदमी उसमें इन्वॉल्व होता है उसको भी सज़ा भी पक्का मिलती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो जाता है। इसलिए यहाँ के लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, नैनी साइथम में आप सब लोग बड़ी आसानी से कैमरा से यहाँ पर इंस्टॉल करा सकते हैं। हमारी तरफ से भी हम लोग भी कोशिश करेंगे कम्युनिटी सीसीटीवी प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग जगह से फंड मोबिलाइज करके यहाँ पर कैमरा लगाने की। और यहाँ पे मैं लोकल इंस्पेक्टर को भी बोलता हूँ, आप लोगों के आके मोटिवेशन प्रोग्राम और कैमरास के बारे से भी हमारा बॉर्डर लगता है, ये दो पुलिस स्टेशन का, पहाड़ी शरीफ और बालापुर का, और वैसे ही हमारा इब्राहिमपट्टनम डिवीज़न के कुछ पुलिस स्टेशन, उनसे भी बॉर्डर लगता है। तो इस ऐसे कई बॉर्डर होने की वजह से कुछ कुछ लोग उधर उधर आते जाते रहते हैं, यहाँ से उधर चले गए, उधर से इधर चले गए। इसलिए जो लोग एक ज्यूरिसडिक्शन के लोग हैं, दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में जाके कुछ ना कुछ जुर्म ऐसे होते रहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सारी जो विजय आरती बता दी, छोटा बच्चा, छोटे बच्चे हैं, कितने लोग, चार पांच लगा लेते हैं। हाँ, क्या क्या है देखो जी, सब बराबर है।